गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। और यहाँ ये सब देखने से पहले हमें कुछ ऐसी एक्ट्स हैं, कुछ वन नीतियाँ हैं, कुछ बोर्ड हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस एक पेज से हम इन चीज़ों को पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी शुरुआत होगी वो होगी 1952 से। ये जो ग्रीन कलर में है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। इन 1952 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ IBWL फॉर कंजर्विंग दी वाइल्ड लाइफ। तो ये जो 1952 है ये हमको याद रखना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखना है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड जो इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ओके, वन्य जीव संरक्षण की अनेक योजनाओं के अमलीकरण की निगरानी एवं निर्देशन करने वाला ये सलाहकार जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। आइए हम आगे देखते हैं कि भारत की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं, जिसमें से सबसे पहली जो परियोजना है वो हम देखेंगे। इस एक पेज से हमको 8 परियोजनाओं को देखना है। सबसे पहली जो है वह है कस्तूरी मृग परियोजना जो चालू हुई थी 1970 में। हम 1970 से चालू करेंगे और 2006 में एंड करेंगे गिद्ध परियोजना पर। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी जानवर मरता है या कुछ होता है तो उसको सब जो भी शेर वेर जो भी खाते हैं उसके बाद आखिरी में सबसे लास्ट में उसकी सारी गंदगी वो कौन खाता है, डेट इज़ गिद्ध सबसे लास्ट में। तो इसलिए हम बहुत ही आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि इन सारी 8 परियोजनाओं में सबसे लास्ट हमारी गिद्ध ही है। 2000 के बाद एक ही परियोजना हमको याद रखना है, 2006 में गिद्ध परियोजना। ठीक है, हमने पहला वाला देखा 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना। उसके बाद जस्ट 2 साल के बाद 1973 में बाघ परियोजना। इसमें और लॉयन की जो परियोजना है जो कि गिर नेशनल पार्क में है उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ उसकी तस्वीर मैंने नहीं डाली है, हम नीचे उसको देखेंगे। तो वो 1972 में चालू हुई है, बाघ परियोजना 1973 में चालू हुई है। ओके, लॉयन परियोजना 1972 में। उसके जस्ट बाद 1 साल के बाद 1974 में है मगरमच्छ परियोजना। फिर उसके 1 साल के बाद है 1975 में कछुआ परियोजना। फिर 13 साल के बाद 1987 में है गैंडा परियोजना, ये काजीरंगा नेशनल पार्क से चालू हुई है। हम 4 नेशनल पार्क्स भी नीचे देखेंगे, फिलहाल हम इसी में स्टिक रहते हैं। ओके, देन उसके 5 साल के बाद है 1992 में हाथी परियोजना, देन 1996 में लाल पांडा परियोजना, और फिर लास्ट है 2006 में गिद्ध परियोजना। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। आइए, 1970 में चालू हुई थी कस्तूरी मृग और 1970 में ही हंगुल परियोजना भी है, नीचे हम देखेंगे इस ये मैंने इसमें तस्वीर नहीं डाली है पर हम देखेंगे उसको। फिर उसके बाद 1973 में बाघ परियोजना थी और 1972 में लॉयन परियोजना थी। ओके, फिर ये 2 स्लो प्राणी हैं, बहुत ही स्लो चलते हैं। ओके, तो 1974 में है मगरमच्छ परियोजना और 1975 में है ऑलिव रिडले कछुआ परियोजना। उसके बाद 13 साल के बाद 1987 में है एक सींग वाला गैंडा यानी गैंडा परियोजना। उसके 5 साल बाद 1992 में है हाथी परियोजना, फिर 1996 में है लाल पांडा परियोजना और 2006 में है गिद्ध परियोजना। ओके, इसका PDF नीचे है, अगर आप चाहें तो उसको लोड करके भी ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आइए हम एक एक करके इन परियोजनाओं को कहाँ शुरू किया गया था ये देख लेते हैं। कस्तूरी मृग और जैसे कि मैंने बताया हंगुल इज़ डिफरेंट एंड कस्तूरी मृग इज़ डिफरेंट। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में 1970 में के दशक में यह परियोजना शुरू की गई थी। ओके, 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की गई थी, कहाँ से, उत्तराखंड से। और जो नीचे हम 4 नेशनल पार्क देखेंगे उसकी शुरुआत भी उत्तराखंड से ही होगी। तो इस तरीके से हम ये 2 स्टार्टिंग चीज़ों को याद रखेंगे। ओके, उत्तराखंड को हमको याद रखना है। और कस्तूरी मृग के लिए शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश तथा बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड है। अब देखिए हंगुल इस यूरोपीय रेडियर प्रजाति का लाल हिरण का एक नस्ल है। भारत में इसका निवास स्थान कश्मीर है, डेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम उत्तराखंड। ओके, कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला है। कश्मीर में मुख्य रूप से दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में यह मिलता है हंगुल, जो कि जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है।
तो हमें याद रखना है जो पॉइंट आउट किया हुआ है, दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है हंगुल। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट 1973 में, जैसे कि मैंने बताया था कि बाघ परियोजना है, और 1972 एक साल पहले ही गिर सिंह परियोजना गिर गुजरात नेशनल पार्क में चालू की गई थी, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाघ परियोजना उसके एक साल बाद 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य बाघों की गिनती गिरती संख्या को रोकना तथा पारिस्थितिक के संतुलन बनाए रखने के लिए उसकी संख्या में वृद्धि करना था। और बाघ राज स्टेट जो है वो MP था, यहाँ पर मैंने MP लिखा जरूर है, पर अभी हाल फिलहाल के 2-3 दिन पहले के न्यूज़ में एक न्यूज़ आई थी कि MP को फिर से मिल सकता है। फिलहाल अभी कर्नाटक चल रहा है बाघ राज स्टेट में। इसका जो PDF है मैं अलग से नीचे डाल दूंगा, जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये हाल फिलहाल में अभी 2019 के जनवरी की न्यूज़पेपर की कटिंग रहेगी। आइए हम अपना लेते हैं अगला परियोजना, वो है 1974 में मगरमच्छ परियोजना। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके जस्ट एक साल बाद है घड़ियाल प्रजनन परियोजना, डेट इज़ इन 1975। मगरमच्छ एक साल पहले हुई थी, ठीक है। मगरमच्छ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। घड़ियाल परियोजना जो कि उड़ीसा के टिकरा पाड़ा स्थान से प्रारंभ की गई थी। उड़ीसा से ये भी कछुआ और ये घड़ियाल दोनों ही उड़ीसा है, ठीक है। कछुआ जो है ऑलिव रिडले उड़ीसा के समुद्र तट पर पाए जाते हैं, और ये भीतरकनिका अभयारण्य में इसके संरक्षण के लिए योजना चालू की गई थी। भीतरकनिका अभयारण्य इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, विच इज़ इन कटक। आइए हम देखते हैं गैंडा के बारे में। 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। केवल भारत में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे के सींग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत है, क्योंकि उससे कामोत्तेजक औषधियाँ बनाई जाती हैं। इस कारण गैंडे का अवैध शिकार होता है, जिससे इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। इसके संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई थी, जो कि की गई थी जैसे मैंने बताया, यहाँ मैं डाल नहीं पाया हूँ, डेट इज़ इन काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज़ इन असम गोलाघाट एंड नौगांव डिस्ट्रिक्ट, नीचे हम देखेंगे उसको। इसके बाद है एक और भारी एनिमल, डेट मीन्स हाथी। हाथी दांत की अधिक कीमत होने के कारण अवैधानिक रूप से हाथियों का शिकार होता है। इसकी संख्या में भारी गिरावट आने पर केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर यानी कि ठंड के समय में 1992 में झारखंड के सिंहभूमि महेंद्र सिंह धोनी, हाथी जैसा ही है वो, उससे याद रखिएगा आप, वो झारखंड का ही है, तो झारखंड के सिंहभूमि जिले से इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। हाथी परियोजना महेंद्र सिंह धोनी से आप बिल्कुल याद रखिएगा इसको। आइए देखते हैं हमारा लाल पांडा परियोजना, विच इज़ स्टार्टेड एट 1996। हिमाचल क्षेत्र में पाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश मेन हमको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से जाना जाता है लाल पांडा को। ये सवाल पूछा गया है वर्ष 1996 में विश्व प्रकृति विधि के सहयोग से पद्मा जा नायडू हिमाचल जंतु पार्क से लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो पद्मजा नायडू हिमाचल जंतु पार्क को आपको लाल पांडा के लिए याद रखना है। ये सारे परियोजनाओं में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट परियोजना जो एग्ज़ाम में पूछी गई है वो यही है। 2006 में गिद्ध परियोजना भी पूछी गई है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गिद्ध के संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में हस्ताक्षर हुए थे। इसमें गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक दवा को बताया गया है। गिद्ध परियोजना याद रखिएगा सबसे आखिरी है, 2006 में ये चालू हुई थी। इसके नीचे हम देखेंगे चार, देखिए नेशनल पार्क्स तो बहुत सारे हैं लेकिन चार फेमस है जो जनरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये चार बिल्कुल सीक्वेंस में है। 1936 में है आपका जिम कॉर्बेट विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। देन 1965 में है गिर नेशनल पार्क विच इज़ इन गुजरात, ठीक है। ये पहला वाला जो उत्तराखंड है डेट इज़ इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ लिखना मैं भूल गया था। 1974 में उसके बाद जैसे कि मैंने ऊपर बताया काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडा के लिए बहुत फेमस है, और विच इज़ इन गोलाघाट एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए ये स्टेबलाइज जो हुआ था वो 1908 में हुआ था एज ए रिजर्व फॉरेस्ट, बाद में 1974 ने इसको ये नेशनल पार्क का अहदा मिला, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1908 देख के हमको लगता है कि सबसे ओल्डेस्ट काजीरंगा है, बट सबसे ओल्डेस्ट जो है डेट इज़ नेशनल पार्क। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इज़ ऊपर आप देखिए जिम कॉर्बेट, ठीक है। और जो लास्ट है डेट इज़ रणथंबोर नेशनल पार्क, राजस्थान में है सवाई माधोपुर टाउन में,
ठीक है, बहुत ही आसानी से हम इन चारों को याद रख सकते हैं, ठीक है, इनके 1936, 1965, 1974 एंड 1980. फर्स्ट एंड लास्ट इज फेमस फॉर टाइगर, गिर गुजरात, जी से जी, गिर गुजरात, आर राजस्थान, आर से आर. बाकी ये दोनों को हमको याद रखना है, ये और जिम कॉर्बेट तो ओल्डेस्ट है, उत्तराखंड में मिलता है तो बिल्कुल याद रहेगा. काजीरंगा हमको अलग से याद रखना है, काजीरंगा इज़ इन असम. चलिए इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, और इससे रिलेटेड और भी अगर कुछ रहेगा तो उसका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा. और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत गुड विशेस और बहुत बहुत शुभकामनाएँ. चलिए, थैंक यू सो मच.